वो
की दामोदर की गोविंद जी की प्रधानता रहेगी, किंतु इस स्थान में कृष्ण की प्रधानता है या किसकी प्रधानता है, श्रीमती राधिका जी की सेवा करते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ पुण्य, जिसमें कृष्ण स्वयं राधा जी की सेवा करते हैं, आरती उतारते हैं, कैसे उतारते हैं, नैनो फलार्पितम गो भोग संभावतम गोविंदम करते हुआ, ये तरीका गया गोविंद के लिए, किन्तु यहाँ के लिए कैसा होगा, कृष्ण ही अपने नैनों से राधा जी की आरती उतारते हैं, इसलिए ये सेवा पुण्य की प्रधानता है ब्रजमंडल में सबसे अधिक, और उसमें ये खूबी है शक्ति मूल स्थान है, इसलिए रूप गोस्वामी जी ये द्वारा लेते, हम समझते हैं कि उस समय में चार दीवारी कोई नहीं थी, कुंज थे, कुंज यहाँ भी रहा होगा और उस कुंज में रहकर थे, और वो अपने आराध्य देव की आराधना करते थे, क्या आराधना करते थे, जो कुछ महाप्रभु से सुना उसी चीज का चिंतन करते थे, भक्ति रसामृत सिंधु का आरंभ यही किया होगा, उज्जवल मणि का विशेष करके दोनों नाकर ललित माधव निरंत माधव अलंकार इत्यादि सब ग्रंथों को यहाँ से आरम्भ किया, और शायद मैं यही समझता हूँ कि यही पर उसको पूरा भी किया, रास्ते में सोचते ले जा रहे हैं कि यात्र में ये क्या क्या लिखूं, तब बीच में सत्यभामा जी आगे तो ये नाटक समय मतलब अलग अलग, और जब वहां पर यात्र में गए तो महाप्रभु जी ने कहा देखो दोनों पे एक मत करना, उन्होंने कहा जी कैसे ये जान लिया महाप्रभु जी, तब फिर इस तरह से दो नाटक किए, फिर आकर के सभी गुरुजी यहीं से उनको प्रेरणा मिलती थी करते, इसलिए यही पर उसमें जी गोस्वामी छोटे से बालक थे, जिस समय ये लोग यहाँ चले आए पढ़ लिख करके व्याकरण काव्य जो कुछ था पढ़ना वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ करके, और तब नायक जो ले आए नित्यानंद प्रभु के चरणों की कृपा हुई, महाबुद्धि तो प्रकट हो गए थे, और आज तुम्हारे वंश के लिए महाप्रभु जी ने स्थान दिया है वृंदावन में, तुम वृंदावन में, तो वृंदावन आने लगे, रास्ते में काशी में मधुसूदन विद्यापति सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य वो काम कर रहे थे, महाप्रभु जी के मुख से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो कुछ सुना था अपने शिष्य को दिया, और वो शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे वाराणसी में जो कमाएगा जी, और जीव गोस्वामी उन्होंने सारे वो जो तत्व थे वेदांत दर्शन सब कुछ इसे, इस तरह से वहां से सब इसमें भी पारंगत होकर के जीव गोस्वामी आए यहाँ पर रूप गोस्वामी के चरणों में, रूप गोस्वामी के भतीजे तो थे, उन्होंने दीक्षा मंत्र दिया रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने किसी को नहीं दिया, किंतु इनको यहाँ पर मंत्र दीक्षा जो कुछ देना है दे करके और यहाँ पर रखा, और उसी जीव गोस्वामी के लिए उन्होंने वो लिखा है, फिर पिछला प्रकाश किया ओ राधा दामोदर जी का अपने हाथों से बना करके दिया, और भी सनातन गोस्वामी ने जो गिरिराज ने जो शिला पाई थी सनातन गोस्वामी की भी अपने जी गोस्वामी को दे दिया, दोनों के दोनों अपना अपना सब कुछ जी गोस्वामी को दिया, इसके रूपानुभव में सनातना मिल रही है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये रूपानुभव नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती नरोत्तम ये थे, इन्होंने तो स्वकीय बात की स्थापना की, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर मीमांसा दिया, नहीं ये गलत, इन्होंने तत्व की दृष्टि से कहा, और उन्होंने कहा रस की दृष्टि से, दोनों का विचार अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसीलिए थोड़ा सा उत्तर निर्मणी की टीका में उन्होंने दोनों लिखी की दिया, दोनों का तत्व के भारतीय भाव रूप गोस्वामी का यदि विचार है तो जीव गोस्वामी का अलग से विचार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी का प्रकट हो जाने के बाद में हमारे जीव गोस्वामी का भी स्थान है, और वही इसकी पूजा इत्यादि का संचालन करते थे,
जैसा रघुनाथ काल को स्वामी राधा कुंड में रहते थे, जी को स्वामी के लिए भी वहां पर भजन स्थल है। राधा कुंड में भी सर्वत्र रजविंदर में रहते थे, भी मूल स्थान जैसे रूप को स्वामी राधा जी को स्वामी, ऐसे हम बंदनीय स्थल में हम राधा कुंड में सेवा कुंड में रूप को स्वामी और जी को स्वामी के चरणों में श्री राधा जी को स्वामी के चरणों में होने पर उसी समय से ही हमारे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बाद से उन लोगों ने अपनी परंपरा में इन गोस्वामियों को पूजा करने के लिए और सारा पाठ दामोदर को दे दिया। तो उसी की कड़ी में हमारे आज क्या नाम है उनका, निर्मल चंद्र गोस्वामी, निर्मल चंद्र गोस्वामी और उनके सुपुत्र लोग हैं कविता और सीता जी है। कितने पुत्र हैं? पांच पुत्र हैं, पांचों पांडव हैं। इनके बाबा से अर्थात निर्मल चंद्र गोस्वामी के पिताजी के समय से ही हमारा बड़ा सौहार्द भाव रहा है। जब मैं आता था बहुत आदर था, उसी समय में हमारे शांति वेदांत स्वामी महाराज जी यहीं बना करके अपना ग्रंथ इत्यादि लिखा, यहाँ पर बहुत दिनों तक थे, उसी के नाते मैं भी उस समय में आ जाता था। इसके उनसे उनका नाम क्या था भाई हमारे बाबा का, गोरा चंद्र गोस्वामी। अरे मैं आज का लड़का नहीं हूँ, मुझे 81 वर्ष हो गए हैं। कितनी बार अभी हम समझते हैं कि 60-70 बार तो मैंने परिक्रमा ब्रजमंडल की थी और यहाँ के चलते चलते से अवगत हूँ और सब यहाँ के प्रमाणिक व्यक्तियों से हमारा संबंध रहा है, इसलिए सभी लोग वहाँ आकर करते हैं। स्वामी जी के साथ में आता यहाँ था तो मैं रोटी वो देते और मैं शेषा जी लगाते वो और ठाकुर जी को भोग लगा करके हम दोनों साथ बैठ करके पाते उसी खास कमरे में एकदम एक पैदान के पास में नहीं। हम अपनी चादर बिछा देते तो ऊपर बैठते, फटी हुई एक रजाई थी और फटे हुई गीता था और वो चंपतनी थी, तो भागवत का प्रकाशित किया था पर वही टूटी थी और यहीं पर दिन रात ग्रंथ लिखते थे भाव में, तब वो विदेश में जाकर के ये सब लिखा। आज उनको भी यहाँ पर हम लोग नमन करते हैं और ठाकुर जी को नमन करते हैं, रूप गोस्वामी और जी गोस्वामी को और गोस्वामी जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और विराज उनकी उत्तर बहुत कृपा है। हम लोगों के साथ में उनका संबंध में कहीं सौभाग्य मंदिर है और आगे ले जाएगा। गौ प्रणाम। आप तो लोग वहां से प्रसाद ले लेंगे पर स्वामी के घर में शामिल था हम मालूम न
भाई श्रीमद भागवत सुनने पर भी पढ़ने पर भी समझने नहीं। रात सुनो यदि उसके लिए आप प्रयास नहीं करेंगे उचित रूप में दोस्तों का सम्मान यथा योग्य ज्ञान करें। संत भागवत का अर्थ हमारी धारणा के लिए है जस देव क्या अर्थ क्या क्या चेता
at that time is Bambuki in the heart is Ami. And Sri Mati Radhika is in the all this Brahma Gita for the East Ferenc. Pushka Pushka de Rehen hai. Iske Brahma hai. Abhi Bhajan de Prati Mamata nahi hai. Arjaniya ke Prati Mamata nahi hai. कृष्ण की भजन की लालसा भी नहीं है. ऐसे लोगों को न तो इसमें सुनने में रुचि होगी और न तो इस पर श्रद्धा की होगी. उनका इसे कुछ लाभ नहीं. तो अभी हम लोग आ रहे हैं सुन रहे हैं तो श्रीमती राधिका जी उत्तर दे रहे हैं. प्रमुख तो प्रभु की कुबरनारायण ये दोष है. तुम कुछ नहीं जानता. तुम अपने प्रभु की दोष की बात को नहीं जानता है. हम बचपन से उनके साथ में रहती हैं. देखो हम करती उनकी सुनो उनके दोष क्या है. इस प्रकार से सभी का धर्म ध्यान हमारे जो प्रभु हैं जैसे मधुकर तू है एक पुष्प को छूकर मधुपान करके फिर दूसरे पुष्प पर बैठता है. विशेष करके मालती पुष्प को बैठते हैं. मालती पुष्प में बहुत ही सुगंध होता है. बहुत सुगंध होता है उसमें. मधु होती है तुलसी के मंजरी में बहुत मधु होती है. उस पर भी बैठते हैं. तो जिस प्रकार से सुंदर सुंदर मधु पुष्पों का मधु पान करके कुछ पुष्पों मालती को छोड़ करके और फिर दूसरे किसी निकृष्ट फूल के ऊपर भी बैठ जाता है. जो फलवा होता है जिसे मधु की कभी कभी फलवी होती है. देखा है हाँ कभी कभी मधु भी होती है. बहुत ज्यादा देखा ज्ञानवीन के फूल होंगे उसको मधु होता है और वो उसको बैठ करके जो मधु होता है उसमें परमा रहे. तो ये मधु ये मधुकर उसको के ऊपर में बैठ सकते थी. कड़वे फूलों पर भी बैठता है. ज्ञान नहीं होता कि ये कड़वा है या क्या. उसी प्रकार से आप तुम्हारा प्रभु भी हम गोपियां थी कैसी थी. तुम्हारी पुष्पों की भांति सुमन वो तो सुमन है फूल और ये सुमन मैंने सुंदर मन वाली आपके प्रति सुंदर प्रेम रूपी भावना युक्त सुंदर पुष्प है. एक बार मात्र पान कराया और हमें छोड़ दिया. अथवा यदि मैं नहीं हूं तुम्हारा स्वभाव कोई निंदनीय नहीं है. क्यों निंदनीय है. तुम्हारा ये जीविका ही है पुष्पों का मधु रस पान कर. तो तुम्हारा पेट नहीं भरता है थोड़ा सा मधु पान करता है दूसरे पर बैठता है तीसरे पर बैठता है. ये तो कोई दोष की बात नहीं है. जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए तो थोड़े थोड़े दिक्कत होते उनका फूल होगा तुम बैठता है. ये तो तुम्हारी जीविका आराष्ट्रमंड है. जीविका है बहुत पुष्पों को बैठ करके थोड़ा थोड़ा मधु पान करके तुम्हारी सुविधा में वृद्धि नहीं होने पर तुम जहां तहां भी फूलों पर बैठ जाते हो. तो तुम्हारे लिए ये कोई विशेष बात नहीं किंतु उनके लिए इसलिए मधु पान पुष्प त्याग में तुम्हारा दोष नहीं देखता. किंतु देखो तो कृष्ण का नाम क्या है मधु
पति, वो तो पुष्प के लिए जाता है, पुष्पों पर बैठता है मधु के लिए, और तुम्हारे जो प्रभु है कपटी पुरुष, ये स्वयं मधुपति है, मधु का भंडार है उनके पास, तो उनको फूलों के ऊपर में जाने करने की कोई जरूरत नहीं, उनका सारा नहीं मधु है, अधर सुधा, अधर ही सुधा है, अलग से उनके अधर में सुधा की कोई जरूरत नहीं, उनके आंखों में भी मधु है, उनके सभी अंगों में ही मधु है, इसलिए उनको कहते हैं मधुपति, समस्त मधु आनंद माधुर्य के अधिपति और आश्रय है ये कृष्ण, उनका अधर ही सुधा है, सुधा में नहीं, ऐसा कोई उनका अंग नहीं है जो मधु नहीं है, वो सुधा, सुधा माने अंग, इसलिए उनको किसी भी मधु की आवश्यकता नहीं है, सुधा की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही मधु, उनको किसी जगह जाने की क्या जरूरत है, उनकी कोई कृष्णा भी नहीं है, क्योंकि मधु तो उनके पास ही है, मधु तो कृष्णा कैसे हो, ये संभव, किंतु उनका स्वभाव ही ऐसा निष्ठुर, निष्ठुर है, बड़े कठोर हृदय वाले हैं, इतने दुशील हैं, दुशील मैंने क्या, दुशील शील मैंने होता है सुंदर आचार किया, और दुशील मैंने उनका स्वभाव क्या है, सुमन सुंदर, जिनका मन है सरल मन है मधुर मन है, उनको दुख दान करके भी उनको सुख मिलता है, ये उनका स्वभाव, इसलिए मधुपान के लिए जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मधु तो उनका आधार ही है, उनका सभी दुखी सब कुछ मधु है, सुधा है, अमृत है, अमृत का प्रभाव क्या होता है, गुण क्या है, जो कि एक अमृत हो जाए, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, हम सर्व मन साध्वी हैं, हम गोक्रमणिया हैं, हमको दुख देने के लिए ही, दुख देने से हमको सुख होता है, इसलिए हम उनके सुख के पात्र हैं, हमको दुख दिए बिना उनको सुख नहीं होता, इसलिए किंतु इतना दुख देने से हम मर जाएंगी तो फिर तो दूसरा कभी नहीं मिलेगा नहीं जिसको हम दुख दे सके, कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए इनको जीवित रखना जरूरी है, जो जीवित रहते हैं वे भी मरती है, ये इनका दोष है, समझो तो, इसलिए अथर्वसुधां स्वामी मोहिनी पाई अपनी परम मोहिनी, अथर्वसुधा का पान उन्होंने कराया, पान करा मैंने पाईत्वा, पान करके नहीं, भ्रमर दूसरे मधु को पान करता है दूसरे फूलों पर, और ये क्या करते हैं, ये जबरदस्ती पान कराते हैं, क्यों हमें दुख देने के लिए ही अपनी मोहिनी, मोहिनी माने क्या, जो हम अपने कुल को, इस कुल को, उस कुल को, सबको भूल जाए, क्या करना चाहिए ये भी भूल जाए, क्या अच्छा है और बुरा है इस चीज को भूल जाना ही मोहिनी का कारण, इसको कहते हैं मोहिनी, इसलिए कहते हैं अपनी मोहिनी अगर सुधार का काम करा करके नाना प्रकार से हमें प्रलोभित करता है, उनका अर्थ इतना सुंदर है
उनका मुखमंडल इतना सुंदर है कि जबरदस्ती अपनी तरफ में दिखला देता है। देखो पान करो फूल खुला देता है। एक आदमी मान लिया कहीं जा रहा हो और रास्ते में बड़ी सुंदर ब्रजवासी का की दुकान आ जाए और देख रहा है कि सभी लोग यार बैठ करके चाट खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई रसगुल्ले लेकर के खा रहा है, तो इच्छा भी नहीं हो जब रसगुल्ला देखेगा और उसकी सुगंध आएगी तो उसे खा ले। इसलिए कुत्ता क्या करता है, कुत्ता वहीं पर बैठ करके ललचाई की नजर से जीव को लपलपाते वहां पर रहता है और देखता है इस किराज में रहता है हमको मिल जाए। इसलिए सोना जहां फेंका था कुत्ता क्या करता है, तो उसी तरह से हम कृष्ण की जो का आदर है वही सुखा है और उसको देख करके हमारी इच्छा नहीं होने पर भी हम कृत बुद्धि वाली होकर के मुक्त होकर के उसके लिए अपने पति की लाज अपने गुरुजनों की लाज ये सब उसमें हम लोग भूल जाते हैं। इस गुण को उस गुण को सब इस गुण मैंने जगत का और परमात्मा हम लोग सब कुछ खो गए। हमारे पति रहने पर भी पतियों के प्रति हमारी ललता में उनका आदर सुधार नहीं करती और दुख इससे हमारे लोग परलोक दोनों बिगड़ गए। वही आदर सुधार हमें मोह उत्पादन कर हमारे बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर देती है जब बाध्य होकर के पान करती है और वो जबरदस्ती पान कराता है इसलिए ये मरना जाए। इसलिए हमें जीवित रखने के लिए वो ऐसा कर सके एक बार का अंतर यदि हमें सुख देना उद्देश्य होता तो पुनः पुनः इसका पान कराता एक ऐसा कुछ नहीं क्या करता एक बार एक मंत्र और इसके बाद में दुख देता और मनमर न जाए। इसलिए हम लोग भी सुनंग होने पर भी गिरा अवस्था में भी हम पर नहीं करती इसको चैतन्य चैतामृत से बदला रहे ये कैसे अधर सुदाम की है कृष्ण अधर अमृत ताते कर पूर्व मंद स्मित स्वम आपूर जे हरे नाई। कृष्ण का अधर अमृत ऐसा है कि उनका उसमें जो मुस्कुराना है वो क्या है कर्पूर हमें मुखमंडल का वर्णन करें स्वमाधुर्य हरे हरे अपने माधुर्य से सब काम हमको हरण कर लेते हैं सबके मन को विशेष करके गोपियों के नारियों के मन को हरण करते हैं। क्यों क्योंकि उनमें वो चीज है जिसके द्वारा मुक्त होती है उनमें वो भाव है जिसमें जो भाव है उसी के द्वारा वो आकृष्ट होता है। कम से आकृष्ट होगा उसको देख करके अधम पान करेगा ना दुर्योधन करेगा और नारियों में भी कौन जिसके अंदर में श्री मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि है वो दूसरा है। महाप्रभु बड़े सुंदर है कृष्ण से भी सुंदर है किंतु वहां नवजीत के पड़ुआ लोगों के लिए है सुंदर जो उनको मारने का संकल्प कर रही है और जिसके वजह से उन्होंने छोड़ दिया उनके लिए नहीं। हम लोग सुन रहे हैं यदि यही पर कोई भाव वाले कोई व्यक्ति होते वो सुनते तो क्या हो जाता और ना हम वक्ता को ऐसा भाव हो रहा है और छोटा तो हो रहा है किसी को ऐसा क्योंकि भाव नहीं हमें वो हमारी भक्ति अभी निष्ठा रुचि या शक्ति तक नहीं पहुंची हराए अनंत लोग ना पाइए मणि को ब्रजनारी बने हिंदू लक्ष्मण कृष्ण का यहाँ का दामोदर ऐसा है उसको देखने से ही सभी लोग खुल जाते हैं विस्मित हो जाते हैं और सब प्रकार का उनका चित्त रोग दूर हो जाता है। यही तो गोपियों का यही मात्र प्राणांत है कृष्ण अधराम कृष्ण गुण सुतरी सुधा सार आस्वाद निंदन ताश पाद बिना जाने जन्मिया न के नुमे से रसना
हे परिवार, तो कृष्ण के इन सब के लिए लोग उत्पन्न न हो तो गोपियां क्या करती हैं? तो नहीं जाता वो जन्म से ही क्यों नहीं मर गया है? शे रसना, वो रसना क्या है? एक जानता है मेरा जैसा कट करने वाली है। श्रीमद भागवत में भी इसको दिखलाया गया। ऐसे ही सूरत अवर्धनम तो कलानुसरम स्वैतना सूक्ष्म पूजितम इतर राग भी स्मारणानुराम इतर विवरण देवधरा। श्रीमद भागवत में भी इसको वर्णन किया गया। अर्थात सूरत को वर्णन करने वाला, शोक को नाश करने वाला, स्वरित वेदना सूक्ष्म पूजितम इतर राग भी स्मारणम जो पहले बदलाया गया देवी इतर भी नमस्ते धारण। और भी बहुत कुछ चेतन में चलता है। श्रीमती राधिका जी खुशी को कह रही है कृष्ण का आधार ही मानव सुधार है का तो अमृत है। अमृत पान करने से लोग अमर हो जाता है, इसे हम भी अमर हो जाए मरे नहीं किंतु हमको दुख थे। इस तरह से इतना बिरह ताप हमें देते हैं, क्लेश देते हैं, कभी हम मर नहीं पाते। मन है ऐसा लगता है ये दुष्ट स्वभाव के कारण कृष्ण पहले से इन्होंने संकल्प रखता है कि एक बार थोड़ा सा काम कराकर के जीवन में इनको दुख में अवसर है और उसमें उनको सुख होता है। इसलिए हमें कष्ट देने के लिए एक बार मात्र काम कराए। मूल श्लोक में पाए रूपा इसको संस्कृत भाषा में निजंत धातु पढ़कर निजंत में क्या अपने आप किसी को पान कराना किसी को कार्य कराना इसमें निजंत धातु होती है। क्या एक आत्मने पर और एक परस्मयी पर, यहाँ पर आत्मने पर है ना पाई पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इसको उन्होंने देखा है लिखा है काम की भी अभी हम परिणाम दिया क्योंकि ऐसा ही प्रसंगी का भाव हो गया कि ये मरने जाए इसलिए अपने आदर सुधार का एक मान पान फिर जीवन में दूसरी बार नहीं पान कर रहा और यदि तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारा ही कोई दोस्त होगा इसलिए कृष्ण ने तुमको छोड़ दिया, अन्यथा नहीं छोड़ते। इसलिए जो कुछ छोड़ने का दोस्त है कृष्ण छोड़ दिया ये बात तो ठीक है किंतु छोड़ा किसकी हो तुम्हारे किसी को? कृष्ण इज नॉट ड्यू बट आई थिंक दैट इट इज नॉट ड्यू टू कृष्ण। उनमें कुछ दोस्त होगा इसीलिए छोड़ दिया। मैं कहता हूं भ्रमण करता है कृष्ण उनका दोस्त नहीं है। तो श्रीमती राधिका जी कहते हैं कि देखो इसका उत्तर ये है हम ब्रजवासी हैं हमारा चरित्र कैसा है? हमारे चरित्र का सौगंध सौगंधी सौ कुमार के पवित्रता और हमें सारे सद्गुणों का उत्कर्ष हमारे अंदर है। इसके द्वारा हमारा सुंदर मन कैसा है अत्यंत शोभान पवित्र निर्मल हमारा मन है। इसलिए प्रति में सभी लोग हमें आदर करते हैं हमारा सर्वत्र ही हमारी प्रशंसा होती है। ब्रज धाम में हम लोग किसी के लिए प्रसिद्ध हैं ये बड़ी पवित्रता है। और देखो इसलिए हमें तो दोष नहीं है अब तुम्हारे जो प्रभु हैं कैसे हैं कृष्ण
का स्वभाव तुम्हारे तरफ कमल की तरफ ब्रह्म चंपा चंचल चपल और केवल अपने सुख मात्र देता है कुत्ता जो रस लेता है फूल को कष्ट होता है या दुख होता है ये नहीं देता वो क्या देता है प्रस्वार्थी होता है जतन स्वार्थ ऐसे तुम्हारे प्रभु में अपना ही सुख देते हैं दूसरों का सुख नहीं देते इसलिए उनका स्वभाव तुम्हारे ही समान चंचल स्वभाव है जिस प्रकार से मधुकर मालती अत्यंत सुंदर उसके पुष्प होते हैं उसमें सुगंध होती है बड़ी कोमल होती है तो उस पुष्प पर जाकर के उसका पान करके और पुनः उसको छोड़ देता है कृष्ण कपट कृष्ण का ऐसा ही स्वभाव हमें छोड़ करके कहां गए मथुरा में हम मथुरा में खूब क्या गए साधारणी वहां की और उसमें आसक्त हो गए और हमें भूल गए अतः हम तो नहीं कहेंगे उनके लिए उनका दोष क्यों नहीं देंगे अब तुम भी तुम्हारा भी दोस्त है दोनों काम दोस्त देखेंगे हमने सुना है महामुनि गर्ग ने कहा है हमने सुना है जैसा गर्ग ने कभी कहा कृष्ण नारायण के समान देव श्रेष्ठ हमने सुना है उन्होंने भी कहा इसलिए उसमें दोष देखना उचित नहीं है और पतिव्रता श्रोमणी स्वयं लक्ष्मी देवी भी उनके चरणों की सेवा करती हैं तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कृष्ण में कोई दोष नहीं है और हमने भी सुना है ऐसा और लक्ष्मी देवी भी उनकी सेवा करती हैं चरणों वो तो महापतिव्रता है किंतु हम लक्ष्मी नहीं है हम लोग खूब अच्छी तरह से जानती हैं शास्त्र की बात और एक प्रत्यक्ष की बात है शास्त्र जो कहते हैं हनुमान इत्यादि की बात कर रहे हैं और हम लोग प्रत्यक्ष क्या देख रही हैं उनके हजारों हजारों दोष हमारे आंखों के सामने हृदय में स्थिति हो रही है वो कितने सख है फुरुक्त है कपटी है और निष्ठुर इसका हम बदला नहीं सकते इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वही कपटी कृष्ण के मनोहर वाक्यों से लक्ष्मी जी सुन करके मोहित हो गए इसलिए उनके चरणों की सेवा करते हैं अथवा कृष्ण के बहुत से स्तव खाने के यदि कोई जैसे महाराज है ना इंग्लैंड में एक महाराज थे कैन्यू तो उनके दरबारी लोग उनकी प्रशंसा करते एक दिन अपने दरबारियों के साथ में ये कैन्यू समुद्र के किनारे गए चल रहे थे निकट में तो समुद्र की बार बार लहरें आती में चली जाती है तो दरबारी कहे महाराज आप इतने महान हैं कि समुद्र भी आपको चरणों को धोने के लिए अपनी दाढ़ियों से हाथ बढ़ा करके आ रहा है बड़े खुश हुए इधर में एक ऐसी बड़ी लहर आई जो उनको गिरा दिया घुमा करके अपनी लहर में ले जाने किंतु दरबारी लोग क्या कर रहे हैं महाराज आप इतने महान ऐसे आपके जो चापलूस है ये वो क्या कर रही है तुम्हारे जैसे चापलूस लोग जो कृष्ण की चापलूसी करते हैं उनकी बात सुनकर के सब अत्यंत सर जो लक्ष्मी जी थी या इसमें भी अपनी चाटुकारी बात करके लक्ष्मी जी के मन को डुबा दिया इसलिए वो उनकी चरण की सेवा करती हैं लक्ष्मी जी किंतु हम लक्ष्मी नहीं है याद रखना हम उनके बातों को हम जो दोस्तों को जानती है वो दोस्तों को नहीं जानती है अब कुछ दिन में हो सकता है जानेंगे इसलिए मैं हम लोग कहती हैं कि तू भी उसका सम्मान कर यदि अपनी भलाई चाहता है तो उनके साथ
संघ को छोड़ दो, हमें तो हम जैसे दुखी हैं, तुम भी ऐसा ही दुखी हो जाएगा। लक्ष्मी की सरल सी जुबानी इसे परिचरत कथम तत्पाद पद्म पद्मा पद्मा जी पद्मा तब लक्ष्मी क्यों कर रही है पितृवत्व उनके हृदय को लुहा लिया है जिसने अपनी मधुर नारी चीटनी चुपड़ी बातों से, इसलिए और विश्वास करके उनके चरणों की सेवा कर रही है। वो इनकी कपटता को धूर्तता को समझ नहीं पाती, इनको हम लक्ष्मी से भी बड़ी विलक्षण बुद्धि वाली है, हमें अनुभूति है और हम वैदिक बुद्धि रखती हैं, हम बड़ी रसिक भी हैं, स्वयं दिखाता नहीं, हमारे अंदर नहीं गलत गुण प्रदान किया है, इस समय बड़ी विचक्षण और बुद्धिमती है। हम लोग प्रत्यक्ष अभिज्ञता के द्वारा और इनके जीवन से बचपन से इनसे परिचित होने के कारण इनके दोस्तों को जानते हैं, इसलिए अब इनके प्रति हमारा अनुराग नहीं। तुमको भी कह रहे हैं खबरदार उस कपति के पास खुद के पास निशु के पास मत जाएं, हमें अनुभव है, और नहीं तो हमारे जैसा तुमको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ पर श्रीमती राधिका की मुक्ति में मोहिनी अदर सुधाम पाई के द्वारा जबरदस्ती हम लोगों को अपनी मोहिनी अदर सुधाम का काम करा, इसके द्वारा कृष्ण की सरलता बदला है। और सत्य तप्त जी सत्य कृति हमें त्याग कर दिया, कृष्ण की निष्ठुरता कृष्ण की निर्दयता उसने कही है, और भावार्थिक शब्द से तुम्हारे समान कृष्ण का अच्छी कचन चल इधर उधर, इसलिए कृष्ण की तुलना भ्रमर से कर रही हूं, भ्रमर के जैसा चंचल स्वभाव वाले यहां पर सूचित हुआ। और पद्मा लक्ष्मी भी उनके मधुर बातों से अपूर्ण बातों से मुक्त होकर उनके चरण की सेवा में सुनने इस वाक्य के द्वारा लक्ष्मी की सरलता और अज्ञता वर्णन किया गया, ये अज्ञ है, और हम लक्ष्मी की अपेक्षा भी अधिक चतुर हैं, इस बात को कहा गया। इसमें कृष्ण की अकृतज्ञता और प्रेम शून्यता की बात नहीं, कृष्ण में कहीं भी प्रेम नहीं है, ये भी धर्म हो रही है इस श्लोक के अंदर में, इसीलिए जल्द इसको कहा गया है, इसका उदाहरण ये कब होगा जब तक कृष्ण के प्रति यश नहीं गाढ़ा होगा कि मान नहीं होगा, और मान होने के बाद में राग अनुराग नहीं होएगा, महाभाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। महाभाव मैंने क्या महाभाव उसका लक्षण क्या है, क्या है जागर आश्रय वृत्ति की दशा में अनुराग बढ़ करके इस प्रकार की अवस्था में जाता है जबकि स्वसंपेद दशा को प्राप्त होता है। माने क्या कृष्ण प्रेम के विषय है, उनसे बढ़कर के प्रेम का विषय कोई नहीं हो सकता, और गोपियों ने भी श्रीमती राधिका जी प्रेम की आधार सीधा है, इनसे बढ़कर के और कोई दूसरा पात्र नहीं। जब इन दोनों में परस्पर प्रीति होती है उसमें दोनों का अनुराग, वो दोनों नहीं दोनों का अनुराग बढ़ करके स्वसंवेद दशा को प्राप्त होता है। क्या माने स्वसंवेद अपने लिए अनुभूति, किसके लिए कृष्ण की अनुभूति का नहीं,
गोपियों के अविशेष सत्य राधिका जी के अनुभूति का केवल मात्र विषय होता है, वही समझती है जो उनको कैसा दुख हो रहा है कृष्ण को भी नहीं, उसको कहते हैं स्वाम संवेद। कैसे मालूम होता है दूसरों को? अष्टशाक्तिक भावों के विकार के द्वारा, अन्यथा उनको नहीं समझा गया। जितना भी उच्च कोटि का ये सब अष्टशाक्तिक भाव होंगे उतने ही ये समझे जो उन्नत कोटि का अनुराग ये है, अनुराग है कि तो ऊपर से तटस्थ भाव की तरफ भीतर से प्रेम को कैसे देखेगा। कृष्ण इसी तरह से उनके इस अनुराग को कल्पना करते हैं, उनके अष्टशाक्तिक भावों को देख करके, किंतु समझते नहीं ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो महाभाव का, वो जो रूप भाव का माधव का जो भाव है अनुराग का, वो उनमें इसलिए है। किसमें? सचिनंदन चौधरी में ये। जब कृष्ण राधा भाव से युक्त होते हैं तब तक ये समझेंगे ये सब चीजें, राधा भाव से युक्त होकर के कृष्ण ही तब तो सचिनंदन है, और जब सचिनंदन कृष्ण की भाव राधा जी के भाव से अलग होते हैं तो तब फिर वो कृष्ण रहेगा, वो कुछ नहीं समझेंगे। राधा जी के भाव के साथ में इस चीज को समझो, जब कृष्ण राधा जी के भाव से युक्त होते हैं तब तो इसको समझेंगे ये सखी लोग चैतन्य महाप्रभु। आज जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से रहित हो जाते हैं तो वही कृष्ण बन जाते हैं। बहुत ही गंभीर बात है इसमें, और भी संतो राधिका जी के भाव के साथ में कृष्ण है तो उस समय राधिका जी कहाँ है, कहाँ है? गदाधर के रूप में तो है, तो गदाधर प्रभु की क्रिया क्या है उस समय? चुपचाप नीरव के रूप में, उनका भाव लेने से ही इनका भाव तो खत्म हो गया, ये मत समझो ये भाव शून्य हो गए। उन्होंने उनके जैसा भाव लिया है किंतु उनका भाव पर शून्य है, किसी एक तटस्थ होकर के देख रहे हैं कैसे, जैसे ये क्या कर रहे हैं, किंतु उस समय कोई क्रिया नहीं। कैसी उनकी क्रिया है? अत्यंत विनी अनंत अत्यंत सरल, असर समय कृष्ण की इच्छा के अनुकूल काम करता है। उपास्य यहाँ पर उपासक हुए हैं, उपास्य कौन है? कृष्ण महाप्रभु के रूप में वो क्या हुए हैं? उपासक हुए हैं। अच्छा, उपासक कौन यहाँ पर राधा जी? और वही है गदाधर पंडित, किंतु अब उपासक क्या कर रहा है? तटस्थ होकर के उसको देख रहा है कि हमारे भाव को कैसे क्रिया नहीं कर रहा।
किमान बहुशाली कार्य सुखम जदुनामिपति अभिना नाम अग्रता नाम पुराण विजय शक्ति दीयता तत्व संभव शतपुत्रस्ते कल्पयंती विश्वनिष्ठा such lumpers
व्यक्ति का गुणगान कर रहा है, तुम्हारे कहने पर भी नहीं मानता, कोई तुम्हारे लिए स्थान दूसरा नहीं है, इसलिए वहां पर जाकर के बोला हमारे श्याम में मतो, तुम दुख है उस शख्स की भुक्त की गुणगान मत करो हमारे श्याम न पुराना। हम लोग जानते हैं उसको, बहुत बचपन से हम लोग उसको जानती हैं, हमारे लिए नूतन नहीं है, पुरातन कैसा उसे बहुत बार हमने देखा, बचपन से देखा है, बहुत निकट से देखा है, उसे हमने समझा है, वो हमारे लिए वो पुरातन है, तुम्हारे लिए नया हो सकता है, तो हमारे लिए पुरातन है। यदि तुम कहो कि हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, जाति के स्वभाव से गुणगान करना ही हमारा स्वभाव है और इसमें हम दोष नहीं देखते, वो क्या कहती तुम गुणगान करो इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं देखते, किंतु यहाँ क्यों यहाँ मतलब उसका गुणगान तुम दूसरी जगह हमारे यहाँ मत करो। मैं हम लोग यहाँ अपने दुख से मर रही हूं, इसलिए मर रही हूं, ऐसे मर रही है कि तुम्हें कुछ भिक्षा देने के लिए सूखा भूजा हुआ चना भी हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जिसके कपट प्रेम से हम आज सर्वहारा होकर सर्वहारा में सब कुछ घर बार सब कुछ हम लोग छूट गया हमारा, जिनके लिए घर त्याग कर वनवासी हो गई है, बन ले रहती है, सिर्फ और छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है जिसके बारे में, और जिसके लिए हम लोगों का नाम दुर्नाम हो रहा है, आज उसी व्यक्ति के लिए हम लोग अनावृत हो रहे हैं, हमें त्याग कर दिया, उसने हमें त्याग कर दिया, अनादर कर दिया हमें, और वो हमारी उपेक्षा करके आज चला गया, हमें छोड़ कर दिया। हाँ एक दिन था क्या कपट क्या है वो गाय सुतम जदुना अधिपति अग्रहणम अग्रत न पुराणम पुराणम। तो उनके लिए हम लोग सब कुछ छूट गया है, बनचारी हुई है, आज उसी के द्वारा अत्यधिक अनाश्रित और उपेक्षित हम हो गई। हाँ एक दिन था जब हम उसके प्रेम को जो कपटी भूत है हम नहीं समझते, उस दिन पुराणम अर्णा है ना नर्वेद की वाचक सुख आनंद को देने वाला उसको अर्ण कहते हैं, निर्वृत्ति निर्वृत्ति नहीं निर्वृत्ति। तो उसी कपट प्रेम के द्वारा हम भी सब कुछ भूल गई थी, नहीं समझ सकती उसके कुटिल व्यवहार को, जो अंतर में भी कुटिल है काला है और बाहर और भीतर सर्वत्र काला है, हम उस समय नहीं भूल सकते। पुराण पुरा एवं पहले प्रवृत्ति का आचरण जिसमें वो प्रेरणे था बड़ा सुख जैसा, किंतु वो कपटी और भूत है उस समय हम लोग नहीं समझ, क्यों उस समय हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई, क्यों भ्रमित हो गई थी? पाए हुआ हमको पिला करके हमें हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, इसलिए नहीं समझ सकी। अब तो केवल पूरा एवं विश्वनाथ चतुर्वर्ती ठाकुर जो सत्यता प्रकार रहते हैं, पूरी एवं रम सुखम तद एवं प्रदेश रूपम अपना तो केवलम कर सकती, आज तो वो पी सका है इसलिए अब वो सुखदायक नहीं रहता कि अब दुख में हमें
विराट में सात से हमें सप्त में जला रहा है, पुराना फिर उसका अर्थ पता है, किंतु आज केवल मात्र अणम तो है नहीं, उपकर्षण है। और आज समझ में बदला है पूरा एवं अणम, यह तो ठीक है ना, पुराणम अणम सुखम प्रगति बात है। अब उसमें केवलम अवकर्षति, अब केवल कर्षति ओ अणम हटा दो, अब ये कर्षणम हो गया ना, अब केवल हमको दुख देने वाला है, पीसने वाला है, कर्षण माने पीसन, कृष्ण धातु माने जैसे हल से जोत देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, ऐसे हमें दुख देकर के परित्यक्त करता है। किंतु आज केवल मात्र हम लोगों को कर्षण पीड़ा ही केवल अवशिष्ट पीड़ा का दुख देकर के, कृष्ण शब्द कृष्ण धातु का कर्षण है ना, और ई अणम अणम तो चला गया खत्म, अब केवल कर्षण है, अर्थात वो सुख उसमें नहीं रहा, और केवल दुख देना ही उसमें बाकी है, ये कृष्ण शब्द का अर्थ करें। उसके सहित प्रेम का संबंध सुख लाभ आनंद पहले था, और वो किस लिए था, क्योंकि अंदर में काला था, जबकि वो उत्तम श्लोक के द्वारा लक्ष्मी को भी छक सकता है, तो हमारी जैसी स्त्रियों के लिए तो बात ही क्या है। इसलिए अब पुराणम में से अब वो अणा नहीं है, आनंद पाचक नहीं है, केवल और प्रसन्न करने वाला है, हृदय को ताप दे माना दर्द करने वाला, इसलिए कपटी कृष्ण का यहां पर गुणगान मत करो, जैसे केवल और तुम्हारे लिए गौरव प्रतीक है, दिन रात तुम्हारी चिंता दर्शन है, लाखों ब्रज में स्त्रियां हैं, वो उसे तरह तरह से तुमको भावभंगी के द्वारा अपने तरफ में आकर्षण करना चाहती है, किंतु कृष्ण तेरे लिए ही एक मात्र, तुम्हारे लिए ही चिंता करते हैं, इसलिए जाए उनका गुणगान मत करो। और कहते हैं सड़पदम है ना, कि मैं बहुत सड़ांगे, उसके लिए कारण देख सड़ांगे छपद वाला है, तुम चतुष्पद हो, चतुष्पद एक होता है वो जानवर होता है, और उससे श्रेष्ठ द्विपद मनुष्य है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि है, चतुष्पद की बुद्धि कम है, और तू है सरस्पद, सपद वाला शरणांगी, तो तुम क्या चाह स अर्थ पशु, स अर्थ पशु, पशु का है पशु से भी बदता, अर्थात कोई चीज समझता नहीं, कहां पर कैसे बातचीत करना चाहिए ये तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम स अर्थ पशु है, कहां ज्ञान करना चाहिए और कहां किस प्रकार से काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, तुम बुद्धि न होने के कारण तुम देश, इसलिए हम तुम्हारे तुम पशु है पशु पर हम क्या क्रोध करें, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर में क्रोध नहीं करते, हे शरणागत दीदी, पशु तावत चतुष्पाद त्वं तु षट्पद स अर्थ पशु कुत्र किं वा गातुं उचितं इति बुद्धि अभाव न जानासि पशु स अर्थ पशु, तो कहते हैं किंतु तो पशु तुम पशु अर्थ पशु है, इसलिए तुमने वयम न सुख्या, हम तुम्हारे ऊपर में हम क्या क्रोध करें, तुम पशु तू तो तुम पशु का स्वभाव रखेगा, इसलिए नहीं, तब कहां जाने से तुम्हारा ये स्वास्थ्य सिद्धि होगी, इसके लिए उपदेश अब कर रहे हैं, सुनो विजय सक्षति ज्ञान विजय सक्षति, एक बात बात करो, ध्यान करना तो तुम्हारे जाति का स्वभाव है, तू तो करेगा, तो तुम ऐसा करो विजय सक्षति ज्ञान,
विजय सब किसको कहते हैं? विजय नाम अर्जुन का नाम थे। विजय शख तो विजय शख अर्जुन के शख है। अपत सखी नाम पद नाम मथुरापुरी, मथुरापुरी की जो तुम्हारी जो सखियां हैं वो कौन ज्यादा पत्नियां हैं उनके निकट जाकर के तुम कीर्तन करो। छपते ये कृष्ण पहले क्या थे? सुबल सखा बारह दिरा ये सुबल के सखा पहले कराते थे ब्रज में। अब सुबल का सफर को छोड़कर के अब मथुरापुरी में और फिर जैसे अर्जुन के सखा तो लोग कोई पूछे नहीं जैसे अभी तो अर्जुन से उनका संबंध नहीं हुआ था तो महानेत्र से देख रहे मैं कोई गलती बात नहीं। और हो सकता है कि माती ने बताया और कृष्ण विजेता का एक और था विशेष सर्वत्र जो विजयी कृष्ण है असुरों से भी और सत्य पर वही सखा हूं मैं वही सखा है। क्या पुरुष समाज क्या क्या समाज तब कथामृतम कथाए एवं अमृतम कथा एवं तब कथा अमृतम। अब यहां पर कथा ही अमृत है इसलिए विजय ही सखा है। यहां पर अर्जुन का कुछ मतलब सतत जिनकी विजय होती है ऐसे ही ये सखा है उनकी जो सखियां हैं अर्थात जादव गुरु वाली जो रमणियां हैं ये अर्थात विजय विजय मानी कृष्ण ही वो विजय सख है। क्या द्वंद्व समास बनाई गया क्या समास होता है तैयार कि द्वंद्व समास होता है तो जो सब को करके कोई कोई स्थान में और सर्वत्र ही उस सखियों के प्रेम में आबद्ध होते हैं ये श्री वही विजय सख और कृष्ण के अभिनात्मक जो समस्त सखियां जो पत्नियां होती है ज्यादा पत्नियां मथुरा वासिनी कवियां उनके निकट में जाकर उनका गुणगान करो। श्री कपटी कृष्ण एक कपट उन समूहों का दान करो कृष्ण उन शक्तियों के मथुरा पूर्वाचीन रमणियों के छपी तो पूजा रूप जा सकते उनके हृदय का जो रोग है हृदय रोग उनका दूर किए हैं इसे ये सब गुणदान तुम करेंगे तो बड़ी प्रसन्न होकर के बहुत जो कुछ आएगा वही मन माना तुमको देंगे इच्छित भर देंगे। यदि कोई किसी का कष्ट दूर करता है तो वह व्यक्ति जिसका कष्ट दूर हो जाता है वह बहुत उल्लसित हो जाता है उस समय से कुछ मानो तो बहुत तो हम तो सर्वस्व हारे हुए हैं घर भी नहीं है कुछ भी नहीं है उनके द्वारा त्यज्य हैं अनादरित हैं और उनके द्वारा ठगी हुई हैं तो हम क्या करें वहां जाओ वहां के सामने करेगा तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा उनका वंदना करना। उनको बहुत कुछ दान करेंगे जो कुछ तुम मांगेगा वो मांगा वो तुमको देंगे इसलिए उनके निकट जाओ हमारा उपदेश तुम मानो वहां जाकर हम लोगों के दुर्वासा की बात वर्णन करना कि हम कैसी दुर्वासा में वहां पर ये वर्णन करना कि देखो मथुरा की युवतियां वो उनका प्रेम सुंदर नहीं है वो तुम्हारी जैसी सुंदरी नहीं है वो कृष्ण के मनोरंजन नहीं कर सकती इसलिए कृष्ण छोड़कर के अब तुम्हारे पास आए हैं तुम बड़ी रूपवती गुणवती हो इस तरह से कहना
ये कृष्ण ने उनको तुम्हारे लिए छोड़ दिया और ये आए हैं यहाँ, इससे और भी प्रसन्न होंगी, इसलिए हम हमारी दुर्वस्था का वर्णन करना और कृष्ण के कपट गुप्त पूर्ण जो गुण हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े कृपालु हैं इत्यादि के गुण, उनके जो कपट गुण हैं उनका तुम वर्णन करना, ऐसा होने से कृष्ण से तुम खत्म। मथुरा की वासनियां अपने को सौभाग्यवती समझकर और मनोमानी मनोवांछित और जो कुछ तुम चाहेगा वही तुमको दान में देने में समर्थ हो, एक नहीं लाखों हैं, और एक मंडली को दी जाएगी और फिर कृष्ण उसको प्रसन्न करेंगे और वो फिर दूसरी ऐसे तीसरी चौथी हजारों तुम्हारा जन्म उसी में कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं और कष्ट पा रही हैं, देख रहे हो अब हमने उनकी सत्यता अब हमने पूजा है, पहले हमने कल्पयन्ती इष्टमिष्टा अब हमने उनकी भूतता को समझा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ हम लोगों का गुण कीर्तन और उनका गुण कीर्तन करना तुम्हारा शोभा नहीं पाता, तुमको इतनी भी समझने की बुद्धि नहीं आ गई। जो वक्ता श्रोता के इच्छानुसार में कथा नहीं बोल सकता, नहीं समझता कि कैसे इनका स्तर है और क्या मुझे बोलना चाहिए, तो ऐसा वक्ता यदि कुछ बोलेगा तो वहां के कुछ समाज बोलने वाले हैं उनको वहां से उठा करके भगा देंगे, तो तुम्हारा उनको तो बात कर नहीं रहा, इसलिए कह रही है कि तुमको श्रोता के अनुसार ही ज्ञान करना चाहिए, अन्यथा गायक का कोई आदर नहीं, कोई पाठ कर रहा है और श्रोताओं के भावों को नहीं समझता और उनके अनुसार भी नहीं करता, तो जहां पर साधारण आदमी है वहां पर वेदांत का और एकदम सिद्धांत कहने लगे तो उसको पसंद नहीं कर, इसलिए श्रोताओं के अनुरूप वक्ता को होना चाहिए। तो यहाँ पर हम तुम्हारी श्रोता के अनुकूल हम श्रोता नहीं है, इसे यदि गान करना है तो कोई दूसरा गान यदि है तो गान करो, कृष्ण संबंधी गान ना करो, क्या जगत में कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई ऐसा गान नहीं है जगत के तुम गा सकते हो, तो और दूसरा कुछ गान भी नहीं जानते, तुमको और भी कुछ गाने हैं, तुम यहां से अनंत गमन करो, यदि गान ही करना है तुम नहीं जानते दूसरा गान तो दूसरी जगह जाओ, वो तुम मथुरा वासी स्त्रियों के नहीं करते, इस श्लोक में ये भी जल है चित्र जल का, ये भी जल तृतीय भेद यहां पर परिव्यक्त हुआ है, उसका लक्षण यह है भीतर में गुहमान बाहर में सुस्पष्ट असूया, असूया मैंने क्या ठीक और कृष्ण के प्रति उपहासात्मक कटाक्ष, समस्त ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसमें कृष्ण के प्रति कटाक्ष नहीं किया गया है, ऐसे को विजल्प कहते हैं। इसी श्लोक में क्षति तो पूज रुज अर्थात जिनके हृदयों को कृष्ण ने शांत किया है, इसके द्वारा क्या हुआ, श्रीमती राधिका का गुहमान है नहीं कुछ, कभी भाव नेत्र से देख रहे इमहु बहुत गाय, इसके द्वारा राधा जी की असूया भाव, इस श्लोक में प्रत्येक वाक्य में ही कृष्ण के प्रति तीव्र उपहासात्मक कटाक्ष, इसलिए बीजा का सब कुछ लक्षण इसके हैं।
अंदर में खड़ा हो रहा है। दिन पूछा पास पुराता कपट रुचि रहा भूमि क्षण रघु पास के जस्ट भूमि के वयं अपचते पण In English, there is sunset afterward. It will take so much time, but it's still human, still in brief. Have you understood something? Yes. Oh, yes. Well, sunset is okay. Well, sunset is okay. And after, you will speak something, and after that, हवाने आ रही है बताया था साहब महाराज पहले शिवचंद के जो बताया हवा पंखा जो है ना उसमें गड़बड़ा है इसकी हवा कितनी नीचे नहीं आती नया पंखा लगा ऊपर जाती है Continuing the sloka, local and which we heard it from yesterday. Belating starting we heard. Started saying that Srimati Radharani, she is speaking she's not She is neglecting Krishna as well as the Brahma Madhukar. She is saying all the bad qualities of Krishna and speaking to the Bumblebee. Even though Bumblebee heard all the discussion of Srimati Radhika, but then also he was staying there, he didn't left that place. Instead of going from that place, he started humming in the double voice, making sound more than he was doing before. Srimati Radhika, she said that the Bumblebee says that, oh Srimati Radhika, you are speaking about Krishna, that he is busy nowadays. With the ladies of Mathura, but no, all the wives of Yadus, they are chaste wives, and in that way, it is not possible for Krishna to. It is not possible for Krishna to make them fool. Then he says. That in Braj there are thousand and thousand of Braj gopis and everyone is more beautiful than one another. Even Lakshmi, she also feels that she is defeated. Then the Bumblebee says that if you think like this, please don't think. Why? Because Shri Krishna, he himself is sending me to Mathura. Then Srimati Uddhava at that time Avya Vishnu Maharaj ne aagya di hai ki Bhakti Rasa mein Shri Bhakti Rasa mein Sindhu mein Vilamulo ji ko Sagar Bhakta kaha gaya hai to iska kya karan hai is vishay par Prakash Chalendra kaha hai कि बिल्लमंगल ठाकुर जिन्होंने ब्रज में आते समय रास्ते में ही कृष्ण का नाम को लिखा गोपाल जी स्वयं उनके हाथ पकड़ करके ले आए वृंदावन आकर के उन्होंने राधा माधव का दर्शन किया इस प्रकार के जो सिद्ध परिकर ऐसे भक्त सिद्ध भक्त सिद्ध इस प्रकार के जिन्होंने राधा कृष्ण का दर्शन किया है कि राधा कृष्ण का दर्शन तो भाव के पश्चात में प्रेम सिद्धि नहीं होता है
तब उनको साधक भक्त कहा जा रहा है कि वो कौन से साधक हैं। वहां पर वर्णन होता है कि भाव के साधक हैं। अब जितने प्रकार के साधक भक्त हैं, सभी का मेन पॉइंट होता है कि भाव सिद्धि। इसके बाद में बस भाव सिद्धि का ही समाप्ति हो जाता है, इसके बाद में साधन नहीं हो पाता है, सिद्ध चक्र में पहुंचते हैं। कि श्रद्धा से लेकर के साधु संघ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, जितने प्रकार के साधक हैं सबको भाव सिद्धि करनी होगी। कोई वैकुंठ में जाए, चाहे कोई गोलोक वृंदावन में जाए, सबके लिए भाव की सिद्धि जरूरत है। अच्छा, ये तो साधारण रूप से भाव की सिद्धि दिखाई दे। जो ब्रजभाव के साधक है, ब्रजभाव जो भी मधुर रस के उपासक है और राधा जी के भाव के प्रति जिनका लक्ष्य है, तो उस भाव के किंचित मात्रा आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा जी का जो भाव है, जैसे अनुराग के पश्चात भाव आया है और भाव के पश्चात महाभाव आता है, तो अनुराग के पश्चात वाला जो भाव है, उस भाव के साधन होने के कारण बिल्वमंदिर ठाकुर को साधन भक्त कहा। तो वो भाव के साधन थे ना प्रेम के, तो निर्भर किया। ये तो प्रेम के पश्चात में चला गया ना, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, क्या उस भाव के लक्ष्य, उस भाव के साधन के। और साधारण रूप से जितने भी साधन है यहाँ पर भाव से दी है, भाव साधक क्या है। अब इसको हमारे इसको और भी कुछ ऐसा बोलो तुम बोलो तो मैं तो अच्छी ये बोल लेता हूँ। ठीक है, ठाकुर को भक्तों स्वामी सिंधु में साधक कहा गया है। श्री महाराज ने बताया वह साधक कहा गया, तो क्यों कहा गया और किस प्रकार के साधक हैं? जैसे हम लोग श्री महाराज से सुन चुके हैं कि जब हम भाव को रक्षा करके इंद्रिय के द्वारा जप पूर्वक साधन करते हैं कि ये भाव प्राप्ति हो, तब उनको साधन भक्ति कहा गया है। ऐसे ही प्रेम को पाने के लिए जब हम कोई भक्त साधन करते हैं तब उनको भाव या प्रेम, जैसे साधन भक्ति जैसे मैं अभी जो कहा, प्रेम को प्राप्त करने के लिए भाव प्रेम को लक्ष्य किया, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रेम प्राप्ति करना। उस प्रेम को पाने के लिए हम जो उपाय अवलंबन करते हैं उस समय साधक को भाव साधक कहा जाता है। पहले तो साधन भक्ति के लिए उनको साधक कहा गया, ऐसे इस समय प्रेम भक्ति के लिए उनको प्रेम साधक कहा जाता है। जब तक ये भावावस्था में है, क्योंकि भावावस्था के सिवाय कोई भगवत दर्शन योग्यता उनको किसी को नहीं मिलता है। बिल्वमंदिर भाव अवस्था प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनको स्वयं पहले बार कृष्ण, दूसरे राधा कृष्ण आकर के दर्शन दिया, उनको चरण स्पर्श करने के लिए सुयोग मिला। अभी प्रेम में जो परिपक्व अवस्था है, अभी प्रेम के परिपक्व अवस्था उनको प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए बिल्वमंदिर ठाकुर को भक्त सिंधु में साधक कहा गया है। क्योंकि हम देखते हैं राजमेरा में भी जब गोपी कुछ कसा था, तब तक ये सदन सिद्ध गोपियां थी, वो अपने पतियों के द्वारा अवरुद्ध हो गई थी। ऐसे ही बिल्वमंदिर ठाकुर के इस अवस्था में कुछ कसा है, ये जब कसा दूर हो जाएगा तब वो परिकल्पना में गण्य होगा। इसलिए अभी भी ये उनका तो कुछ कसा है, इसलिए उनको सदन कहा गया है। ভালো
जब लौकिक इंद्रियों से आर्थिक इंद्रियों से भक्ति को लक्ष्य करके उत्तम भक्ति को लक्ष्य करके अपराधिक भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जो साधन होता है उसको वो साधन भक्ति करते और जब उसके अंदर काफी हद तक दूर हो गए हैं और वो आसक्ति के बाद में भाव दशा में आ रहा है या आ गया है, भाव दशा में जो साधक भजन करता है उस समय उसका कीर्तन उसका स्मरण उनका श्रवण उसको भाव भक्ति कहेंगे, वो साधन नहीं कहा जाएगा, वो का कहा जाएगा उस समय भाव ही कहा जाएगा। ये भाव के अनुभाव है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये भाव ही भाव का ही ये कहा जाएगा, साधन भक्ति का नहीं कहा जाएगा। उस समय जो कुछ उनका होगा और उस समय में उनकी स्थिति ऐसी होती है कृष्णा साक्षात की जो क्या माने क्या कभी कभी दर्शन करता है कैसे करता है वो समझता है कि स्मृति हुई, किंतु कृष्ण की साक्षात करने की जो जाता है कभी कभी हो जाता है कैसे भाव अवस्था में, जबकि जिसके प्रति उसका लोभ है जिस आध्यात्मिक भक्त के ऊपर है उनके भावों के प्रति लोग हैं उनका चिंतन करते करते और कृष्ण का चिंतन करते करते भावाविष्ट हो जाने पर कभी कभी उसकी स्फूर्ति में और कभी कभी नेत्रों में भी कानों में भी उनका कभी कभी साक्षात्कार हो जाता है, कभी कभी हो जाता है किंतु सब समय नहीं होता। किसलिए नहीं होता? कुछ अपराध का कुछ अभी भाव आभास है, कुछ कसा ऐसा है अन्य तो प्रेम होता है, कभी प्रेम की लाभ प्रेम की उपलब्धि भी नहीं हुई है किंतु प्रेम का आभास जो भाव है इसमें प्रेमी जो कुछ होता है वो साधन में उसी शक्ति चिंता करता है। भाव भक्त क्या करेगा? वृंदावन की कथाओं को सुनकर के उसी में एकदम तन में आविष्ट हो जाता है, जैसे श्री मंगल जी आविष्ट होकर के कृष्ण जो का गान करते हैं अपने कृष्ण करना में भाव आविष्ट होकर के उन्होंने किया। इस समय में उनको कृष्ण का दर्शन उनके परिकरों का दर्शन संभव है किंतु वह स्थायी नहीं रहता। स्थायी क्यों नहीं रहता? उसी के लिए प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? कुछ अभी है अनर्थ का बंद कुछ है अनर्थ तो नहीं किंतु अनर्थ का बंद नहीं तो फिर प्रेम ही हो जाता, शरीर छूट जाता। उसका चिंतन करते हैं यहाँ तक कि गोपियों के या सखाओं के वो पार्षद रख के जो अंतिम भाव है उनका चिंतन तो कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं किंतु वो अभी उसमें भी आ नहीं गया। उद्धव गए ब्रज में गोपियों को देखा किंतु ब्रज का कोई भी भाव उनके अंदर में आया आविष हुए किसी भाव में आविष नहीं आधार नहीं किंतु इनका भी आधार है। क्यों आधार है? आधार तो कुछ साधन भजन से वो कर रहे चल रहे हैं भावावस्था में पहुंचे हैं इसलिए उनको कष्ट होने पर भी कष्ट की अनुभूति नहीं है। क्यों? आंख टूट गई किंतु उसको कष्ट की अनुभूति है नहीं, कष्ट आ रहे हैं किंतु जब प्रेमावस्था हो जाता तो क्या होता? कष्ट हो रहा है। इसलिए ये सब पूर्ण विचार इन विचारों को रख करके साधक भक्त भाव भक्त आगे बढ़े और ऐसा ही साधक भक्त करना चाहते हैं उसका और कृष्ण का हाँ उस समय उनको तत्व हो जाता है किंतु स्थिर नहीं होता। स्थिर होना तो मैंने प्रेम किया इसलिए इन भावों को समझ करके इतना नहीं कहीं बताया कि तो ऐसा समझ करके हम लोगों को ऐसा ही चिंतन भावना आवेश होना चाहिए। आवेश नहीं होने से कुछ भी नहीं। आवेश कैसे होगा और वही आवेश कैसे अधिक
से अधिक समय तक स्थायी रहे, इसका नाम है साधन बढ़िया। Class of
chance of, he has nothing to, he does not love, he has no time, and always he is immersed in thinking Radha. So why she is doing so? So it is not proper to tell about Krishna. इसलिए वो करें वो मातुर स्मयी एवं वोचत वाम अनुस्मृत्य अनंत विप्लव तान प्रसाद तो इन माया उपदेश के उपदेश के वहां पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ऐसा उनको कृष्ण तो उन्हीं के पीड़ा में अध्यात्म लोग अपने व्यक्ति को रहे हैं उद्धव के मन में ऐसी भावना आने पर श्रीमती राधिका जी ने देखा कि भ्रमण हमारे पैरों के चारों तरफ नहीं गुंजन कर रहा है अर्थात वो कह रहा है यदि मान लो कि ऐसा कह रहा है तो भाव करणों से सुन करके उसका उत्तर देने लगी राधा जी और कुछ हो गए आपूर्त होकर के करेंगे समर यदि कृष्ण हम लोगों के लिए अनंत पीड़ा में कातर होकर के ही मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमको यदि यहाँ पर भेजा है तो मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं तुम कह रहे हो मथुरापुरी में रमणियों का कोई भी अभाव नहीं है बड़ी बड़ी सुंदर रमणियां हैं और कृष्ण यदि चाहे तो ऐसी कौन सी विश्व में देवि भूमि च रसायन देवलोक में रसातल लोक में नागकन्यागण नागपत्नीगण और इन मथुरावासी रमणियों की तो बात ही क्या ऐसी कौन सी नारी है जिसको कृष्ण इच्छा करें और वशीभूत न करने ऐसी कोई भी नहीं अपने माधुर्य के द्वारा अपने मधुर वचनों के द्वारा प्रेम प्रकट करके उनको ऐसी बात कहने जो ऐसी कोई नहीं है जो वशीभूत है देवताओं लक्ष्मी तक के भी भूति भूति वयन का भूति माने लक्ष्मी विभूतियों की मालिक वो भी हम लोगों की तो बात क्या हम तो दशी कमार वो कन्याएं हैं क्योंकि स्वर्ग में पृथ्वी और पाताल जो सब रमणियां सुंदर से सुंदर हैं उनके बीच ऐसी कौन सी रमणी है जो कृष्ण के लिए दुष्ट प्राप्त है स्वर्ग में देवियां पाताल में नाग कन्या और पत्नियां वे अपनी सभी पतियों को छोड़कर के लक्ष्मी भी अपने पति नारायण को त्याग करके कृष्ण से मिलन की आकांक्षा रखते हैं नाग पत्नियों के विषय में सुनाई है अपने पति को छोड़कर के कृष्ण की आराधना करती थी नाग पत्नियां विज पत्नियां और नाग कन्या वो भक्ति के द्वारा उनको बसी उठा दिया तो कृष्ण की इच्छा के वशीभूत होकर के उनके निकट आगमन करके सेवा नहीं कर सकती ऐसी कौन है इसलिए मथुरा वासी रमणियों की तो बात ही क्या उनके लिए कृष्ण को कुछ फल नहीं देना पड़ता फल मैंने क्या जैसे विवाह करते हैं तो पत्नी के लिए देना पड़ता है ना कुछ ऐसे ही हो जाता है दहेज या कुछ भी कृष्ण को कुछ नहीं देना पड़ता यदि कोई पति विवाह करने जाए तो पत्नी के लिए गहना रुपया इत्यादि कपड़े सुंदर ये सब ले जाएगा और पति क्या करना पड़ता है जैसे हम इसकी रक्षा करेंगे कृष्ण के लिए ये फल करने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कृष्ण का मधुर कपट युक्त हास्य है भीतर में एक बाहर में एक पल ऊपर से जो हंसना मुस्कुराना है ये भी कपट कपट कृष्ण का है अत्यंत सुंदर बदन कमल और टेढ़ी दिलियों का चलना
ये पता देकर के कौन सी ऐसी जमीन है जो उनके प्रति आसक्त और वशीभूत नहीं हो जाए। हम भी तो हम इससे परिचित हैं, हम भी बड़ा सरल बुद्धि की थी और इस प्रकार से उनका मुस्कुराना, कहने की भीख मांगना, ये सब देकर के उनकी वशीभूत हो गई। अब मैं हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग मतलब आ गया है दुर्भाग्य, हम हमारे माथा को तो उन्होंने ही खाया इसी तरह से, माथा खाना नहीं था हमारा सर्वनाश, स्कूल स्कूल लोग अपर लोग दोनों ही हमारे से पथभ्रष्ट कर दिया। परम सुंदर मुंह कमल, यहाँ तक लंबी लंबी आंखें, दीर्घ आंखें, हृदय मनोकाशी हास्य और उनका त्रिलोक मनोहारी सुमधुर वंशित ध्वनि मधुर वाक्याला नवीन किशोर मूर्ति नटवर वेश, इसी को तो देख करके हम लोग भी उनके हाथों में बिक गई, बिना मोल के बिक गई। और हम लोगों ने क्या किया इस पर अपने को, मैं बिक गई हम लोग और सब कुछ बोल करके माता पिता गुरुजन लोग लज्जा गुरुजनों का भय सब कुछ छोड़ करके हम उनकी हो गई। ओ अब हम उनकी कपटता छल पूर्ण भीतर में एक बाहर में एक अब हम समझी है, उनका नयन खूब लाश युक्त नयन कटाक्ष और बदन कमल को देकर के त्रिजगत कि सभी रमणीय हम उसके अंदर नती स्वीकार करेंगी, ऐसी कोई नजर नहीं करेंगी और उनके बसी खुद होकर के उनकी भजना नहीं करेगी, ऐसा किसी को हम लोग नहीं देखते। स्वर की देवियां तो दूर रहे, नारायण के पक्ष में विलास करने वाली पतिपता श्रोमणी स्वयं लक्ष्मी देवी को भी ये कृष्ण का माधुर्य उसे नहीं चलाते हैं। और भी तो बात क्या, चैतन्य कई कामिक में भी कहा गया ब्रह्मांड आदि पर व्योम कहा के स्वरूप गण दासबार बोले पर एवं जबरदस्ती खेल चलाते हैं। पतिव्रता शिरोमणि जाए पाए वेदवान आकर्षण से ही लक्षित, वेदों में भी जिनकी प्रशंसा करने की गई है ऐसे लक्ष्मियों को भी पतिव्रता शिरोमणि अरुंधति इत्यादि की भी आराध्या देवी लक्ष्मी देवी जी को भी वो और बेलपन में आज भी तपस्या कर रही हैं कि उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ताते लक्ष्मी एक से ही रमा नारायण प्रियतमा पति प्रकार गणेश उपास्या किहो जे माधुर जला में छाड़ी सब काम को गए व्रत करी बलिदान। उन्होंने पता चल किंतु अभी तक भी अध्याय पाया है कि नहीं पाया है इसकी कोई गारंटी नहीं। दीक्ष अलकार प्रथम मुखम तवकुंड अवस्त्री गंडा अवतरम सुखम खसितावलोकम दत्ता प्रेम दंड युगम विलोक्य पक्ष श्रेय कर्मण भवान विकास के फलदायक वेणुता सम्मोदिता चरिता चलेन त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम निवृत्त रूपम त्रिगोमंगा श्रुमान गोपियां भी ऐसे कह रहे हैं स्त्रियों हम स्त्रियों की तो बात क्या विशेष कर प्रचलित स्त्रियों की बात क्या तुम्हारे कुंडल कैसे सुशोभित गंडस फल अधर सुधा हास्य दृष्टि अलकावृत बदन कमल और है बाबू युगल लक्ष्मी देवी के एकमात्र रति जनक बंतक्षल को दर्शन करके और तुम्हारा बंशी बालन ये सब दे करके ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुग्न न होती। यहाँ तक पक्षी भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, मृग भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, सभी लोग उनको देकर के नदी भी बाती है वो नदी मिले सभी अपना अपना धर्म छोड़ देते हैं। हम लोगों ने धर्म छोड़ा तो ये क्या छोड़ा, इसलिए तुम्हारे विश्व प्रेम की माधुर्य से गादी वो तुम जिसका दो बार जन्म हुआ पक्षी मृग गाभी
यमुना नदी सब अपने धर्मों को तिलांजलि देती है। शर्म अचर हो जाता है और अचर चल। वृक्ष भी चुप जाते हैं कुछ फल लोगों से रोक करके फल को लेकर के कृषि के चरण में, ये अचल है। पर्वत द्रवित हो जाते हैं, मोर इत्यादि पक्षीगण बोलना एकदम भूल जाते हैं। इस तरह से कृष्ण जी की पद्मशान पाती जाते हैं अंतिम और इसलिए ऐसी कोई भी नहीं है रमणी जो कृष्ण के ऊपर में मुक्त ना हो जाए, अपने को बिक न दे। अब तो तुम समझ रहे हो वो कृष्ण का रूप माधुरी और उनका कविता भरा और तुमने वंचना बोलो वंचना करने वाले कृष्ण ऐसे मुख में भीतर में एक और बाहर में बीच, कैसे जैसे कनक के घट में बीज भरा पड़ा और ऊपर से दूध ऊपर से दूध ऊपर से ऊपर में तर रहा और भीतर में क्या है और खड़ा बीजता है पढ़ाई सुधर कृष्ण का ये और भीतर में बीज कपड़ता और बाहर में क्या है देखने में बड़ा सुखो फल सब तो कहते हैं ऐसे कृष्ण का माधुर्य ही ऐसा है जो सब लोगों को चलाता है पर्वत आकर्षण कर लेते ऐसा अशुभ असम जिसके समान और कोई नहीं है। माधुर्य की खानी मधुर्य की खड़ी खड़ी मैंने खान और श्यामल मूर्ति कृष्ण की जो दर्शन करता है सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। शेर में एक कण डुबाए सब त्रिगुण सारे त्रिगुण को डुबा देता है सब प्राणी पर आकर्षण समस्त प्राणियों का आकर्षण कर देता है। ऐसा कि कृष्ण को भी अपने सौंदर्य को देखकर के लोग हो जाता है वो सौंदर्य माधुर को देखने के लिए रूप खानी देखी अपना कृष्ण है चमत्कार आस्वादित मन उठेगा इसलिए चैतन्य महापुरुष के रूप में आए। अरे मूर्ख बंधुगण और तुमको कितनी बात बदलाऊ अबराने दो वो सब इतना नहीं तुम तो समझेगा नहीं तुम्हारे प्रभु का न एक नाम है उत्तम श्लोक अभिचकृपण सबके उत्तम श्लोक शब्द चरण उपास्य अभिचकृपण सबसे उत्तम तुम्हारे प्रभु का कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक किसको कहते हैं उत्तम श्लोक कहते हैं जो लोग दिनों पर दया करते सबसे जिसको हो जिसको पढ़ा है उसके ऊपर भी जो दया करते उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। जिनके अंदर में दया हरी पड़ी है किंतु हमारे क्षेत्र में यह नाम व्यर्थ है दया नाम की चीज उनके हृदय में होता है ऊपर से दया का भाव तो जरूर है मैं हम आप देखती हैं क्या उनके समान दुख देने वाला निष्ठुर कपटी भूत लंपट चोर कोई भी नहीं है। उनका कार्य और उनकी बातचीत सभी कपटता में उनका बाहर भी तो सब कुछ कपट है ऐसा कौन कर सकता है कृष्ण को विश्व में तो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कृष्ण को कर सके किनको तो समस्त भगवत्ता की चरण सार है भगवत्ता की चरण सीमा है ऐश्वर्य और माधुर्य के खान है मैंने वो भी उसकी अंतिम सीमा तक है ऐसे कृष्ण जिनके एक बड़ा पात से ही कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड का लय हो जाता है सृष्टि हो जाती है ऐश्वरों ईश्वरों के लिए ईश्वर के परमेश्वर है और इस कृष्ण को ऐसी बुलाना कटाक्ष गाली गलौज दे तो छोटा भैया भी नहीं कर सकते नंद बाबा करेंगे सदा लोग भी नहीं कर सकते कौन करेगा ब्रह्मा जी
और स्तुति करने में बेचते हैं। और कृष्ण इन गालियों को सुनने के लिए भ्रमर बन करके उनके समीप में आए हुए हैं, ऐसे ये गोपियां हैं। उनका दिनबंधु नाम भी कपट ठाकुर। हम लोगों जैसा दिन कौन होगा, हर बात छोड़ करके बेफर होकर के मन में जोड़ रही है, घर भी नहीं जा सकते, जिसको हमारे पतियों ने घर वालों ने सबने छू करा दिया इन्हीं के कारण, और दुखी हैं हमारे जैसे तीन आज उनके निकट उपेक्षित है, अवज्ञात है, हमें अवज्ञात किए हुए हैं, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार है। किंतु किंच उत्तम श्लोक शब्द, उत्तम श्लोक शब्द किसको कहते हैं, कृपण पक्ष एवं संत जना जो दयाते उसको कहते हैं उत्तम श्लोक, सही उत्तम श्लोक होते जो इन संतप्त दुखी जीवों के ऊपर में दया से दया करते हैं वो है। कृष्ण का लक्षण अभाव, कृष्ण में ये सब लक्षण नहीं देखते, गोपियां का यहाँ पे देख रही है मिथ्या ये उत्तम श्लोक साहित में जाए इनको उत्तम श्लोक। इसी श्लोक में कृष्ण को कटाक्ष कर रहे हैं और देवकुरी इत्यादि बातों से स्वर मर्द रसातल इत्यादि में इनकी मायापुर के द्वारा वसी को तौर के वहां की नगरिया कृष्ण के प्रति वसी को ये कुमुखता का लक्षण है। अत्र पूर्वार्थे दीप पूरी इत्यादि कुहकता चरण रूपास्ते इस श्लोक में तृतीय चरण में के बातें से लक्ष्मी तक भी उनकी पाद सेवा करते हैं तो और लोगों की तो बात है। इसके द्वारा श्रीमती राधिका जी का गर्वपूर्ण ईर्ष्या प्रकटित है चरण रज उपास इसमें दृश्य कपचक्रिपण पक्ष है। इस कथा के द्वारा तथा वयं का और हम लोगों की वाक्य इस वाक्य के द्वारा असूयापूर्ण आक्षेप, असूयापूर्ण माने जो जिसमें नहीं है उसमें उसकी आरोप करके गुणों में दोषों का आरोप करना असूया का लगता है, गुणों में दोषों का आरोप करना इसमें ये सब गुण है और दोषों गुणों को भी दोष बदला रहे हैं, इसलिए श्लोक को चित्र जल में उज्जल इसको कहा गया है। इस तरह से श्रीमती राधिका जी अपने भावों को प्रकट करते हैं। आई थिंक दैट दे विल एक्सप्लेन आफ्टर माई क्लास। But you should know that Shrimati Radhika ji for giving so much bad name to Krishna. And who is Krishna? Supreme Personality of Godhead. He is Ishwar, Ishwar, Sarveshwar. And even Shrimati Radhika is abusing him so much. Mata Yashoda, Ananda Baba, any Shakha, they cannot abuse Krishna like him. And Krishna has come here in a form of humble here to hear all these things. I am very happy to hear all this. So there is explanation. One thing, aisi jo bhakti hai, ye to hai uttama bhakti. अभी तो राधिका जी ने और कृष्ण के परिकर में हम लोग मिला रहे हैं, इसी उत्तम आवृत्ति का यदि कोई साधन करता है अपने प्राथमिक इंद्रियों के द्वारा तब उसको साधन करता है, साधन करता तो सावधान कौन है, जो भक्ति का लक्षण यह है
कि अपने जितनी भी इंद्रियां हैं, मन है, वाक्य है, यहां तक कि भाव जितने प्रकार के हैं, उसमें अन्वय अव्यतिरेक रूप से चेष्टा, अनुकूल रूप से चेष्टा, इन सब की अव्यतिरेक से भक्ति के विरोधी कार्यों को न करना, ये दोनों हैं। अनुकूल लेना नैरंता के भाई गुरु वशों के अनुगत्य में, प्रतिकूल भावना रही अन्य विलासिता शून्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त हरि गुरु वैष्णव तीनों के इस सेवा के अतिरिक्त और कोई उपासना हृदय में न रहे, और ज्ञान और कर्म के द्वारा अच्छा भी भक्ति न हो, ऐसा का ही उदाहरण है जो अपनी दुनिया में द्वारा ऐसी जो सेवा कर रहा है, ऐसा कोई हमारे भागवत में ऐसा कोई किसी का वर्णन या कहीं पर वर्णन है या नहीं? कौन है बोलो, उनके समझ में कैसे है, उनको कैसे कहा जाएगा, और ये कौन से उनके भक्त हैं उनके स्मारक, और किस प्रकार से ऐसा उन्होंने किया जो ये सारे लक्षण उनमें मिल रहे हैं, बताओ हमारे स्मारक तुम बोलो अच्छी तरह से समझो, ये उत्तम भक्ति है, किंतु अपने प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा अपना विलास शून्य होकर के कैसे हम बड़ी जी कर रहे हैं इसको समझ करके ऐसा ही भजन करो, जग मंगल चाहते हो, एक मंत्र सर्व कृष्ण हरि गुरु वैष्णव दैट ट्राई टू बी लाइक अंबरीश महाराज, हाउ ही बट engage with all senses, even mind, tongue, all senses, even mood, he engaged in vis-a-vis of Hari, Guru and Guru. This should try to follow me. Follow me. Nahi to bhakti kahi nahi hogi. So, अभी अभी सब उदाहरणों को ऊपर खड़ी करो, अभी अभी शुरू महाराज ने आप लोग भी समझ करके ऐसा करने की चेष्टा करें, यू शुड क्लियर एंड यू शुड नो हाउ टू फॉलो मी। अभी अभी शुरू महाराज ने कहा है कि साधक भक्त, एक साधक भक्त जब गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर सेवा करता है तब उसको भक्ति नहीं रहेगी, जब वो भक्ति अपने सुख के लिए माफ होता है, भगवत प्रति विधान के उद्देश्य से, गुरु वैष्णव के प्रति विधान के उद्देश्य से, तब वह शुद्ध भक्ति होती है, जहां पर अपने सुख की कामना रह जाती है, अपने सुख की अभिलाषा है। इसलिए यहां पर कहा है कि अन्नाधिना शिकार सुनना ज्ञान कर्मा जना पुत्र, कि जहां पर अन्य अभिलाषा दूसरी अभिलाषा रह जाती है, अपने सुख के लिए ये लोग की पारलौकिक जहां पर अपने सुख की अभिलाषा हुई वहां पर तो सकाम हो गया, निष्काम भक्ति नहीं। इसलिए साधक बहुत प्रकार के देखने को मिलते हैं, जब बहुत से लोग सेवा भी करते हैं परंतु जब निष्काम निस्वार्थ रूप से गुरु वैष्णवों के अनुगत में रहकर भगवत प्रति विधान के उद्देश्य से हो तब उसको भक्ति मानी जाए, नहीं तो सब कुछ किया जा रहा है अपने सुख के लिए वो हम पर भक्ति नहीं है। अम्बरीश महाराज जी ने अपने सारी भावनाओं के सारे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई और उनके प्रति विधान के लिए तब उनके अंदर में भाव उत्पन्न हुआ कि उत्तम श्रम में जनाब तैयार होती, अन्यथा बहुत से लोग क्या करते हैं कुछ दिन तक सेवा करते करते हरिकथा में तो रुचि नहीं है, प्रवेश नहीं होता है और भजन साधन को पकड़ नहीं पाते हैं, कुछ दिनों तक करते हुए फिर निराश होकर के लौट जाते हैं, क्यों अपने सुख की अभिलाषा पूर्ण मात्रा नहीं। एक
साधक भक्त तभी पूर्ण रूप से साधक होगा जबकि अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर संपूर्ण रूप से उनके प्रति विधान के उद्देश्य से जब भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा उनके प्रति विधान के उद्देश्य से न कि अपने उद्देश्य से। इस प्रकार साधन भक्त की बात है। अब साधन भक्ति में बहुत प्रकार की स्थिति और बहुत प्रकार के वर्णन हुआ। ऐसे भक्तों को अपने गुरु में कोई दोष दिखता है कि नहीं? ऐसे भक्त लोग गुरु में कोई दोष नहीं दिखते हैं। कदाचित कदाचित किसी सिद्धांत पर किसी विषयों पर जब विवाद खड़ा हो जाए तो तब उसे भी बात कर लेता है। क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये अंगा विचार हुआ, तो ज्ञान पर बात शादी हुआ, महानुभूल रूप से कृष्ण भक्ति, ये क्या हुई? नहीं, कोई विवाद विवाद नहीं होता है। जहाँ पर कोई बात आ जाए तो उस बात को देखी जाएगी कि हाँ जफान तो सही है या गुरु जी अच्छी तरह से समझ नहीं सके, उनके समझने में भी दूर है। नहीं, वहाँ पर विचार विचार ही है, गुरु राज का जादू डाल है हमेशा ही आम सुंदर करके चलने की बात नहीं है। वहाँ पर विचार तो कर देगा, कोई आदेश है कोई बात कर जो हाथ में जो कहा गया गुरु आज्ञा ही हाँ गुरु विचार वैसे देखिए ये तो उल्टा हो गया कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पर विचार करके हर स्थिति को विचार करके देखना पड़ेगा। अच्छा कोई दान नहीं कर पाएगा तो वो कोई भी साधन नहीं। तुम्हारे गांधी भाषा को दान शास्त्र है, हमने गुरु महाराज जी से भी पूछ लिया कि मैंने कहा कि गुरु महाराज जी बताइए, गुरु महाराज क्या विचार करके कोई कोई सेवक यदि विचार करके नहीं दे सकता तो वो चर्चा करके आएंगे कि हाँ गुरु जी ने बता दिया, हर बात को गुरु जी का नाम पर आरोप कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा विचार ठीक नहीं, गुरु जी ने कह दिया उस बात को विचार करके देखा नहीं कृष्णा गुरु के गुज करके बैठा तो उसको वो नहीं कहा जाए कि यही बनती है ये गुरु आम गलती ही नहीं हुआ हम नहीं मानते शास्त्र नहीं मानते। अच्छा आगे बढ़ो पहले ही करो अम्बरीश महाराज सब अपने गुरु वर्गों की बात मान करके चलते के विचारों में जब बातों को जब विचार करके सही करके देखेगा तब तो गड़बड़ी नहीं है। पहले ही समाज में जैसे वो ठीक नहीं है तब विचार करो तब तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको सही मान करके फिर सोचोगे कैसे चलिए, ये बात ठीक है। इसको समझो पहले उनको सही मान लो और मान करके कैसे सही है ये सोचा, लोक में कैसे ना लोक हो गया और उसको कैसे मिलेगा इसको विचार करो, और जो लोक गया इसमें किसी का कारण नहीं है, कोई विचार नहीं, कृष्ण का ये रूप माधुर्य लीला विचार है। महाराज जी कैसी भक्ति है गुरु वैष्णव को ये विचार ठीक है ये पहले मान लो, गुरु जी हमारे प्राण कली शंकर जैसा आत्मा उनको सही मान करके यदि सतगुरु को अपादाश किया उसी समय में विचार करो, और यदि सतगुरु हैं तो उनके विचार सही है कैसे सही है और इसको विचार कर शंकर जी ने शंकर आचार्य शंकर हैं उन्होंने कहा कि हमारे गुरु मूर्ख हैं, उन्होंने इस विषय का समझ लिया तभी हमारे गुरु हैं, हमारी बुद्धि और हमारी गुरु परंपरा करती है जैसे नित्य बन जाते हैं जैसे वो गुरु उनका मानना पड़ता समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त किया था, अपने आप में ही
गुरु वैष्णव के अनुगत में कभी भी कोई विचार प्रकट हो, कैसी ये करना है, सामंजस्य कैसे करना है, तो वो क्या करते थे, ब्राह्मण वैष्णव जो ब्राह्मण नहीं जो वैष्णव ब्राह्मण उनको बुलाते थे, जैसे हम देखते हैं दुर्वासा के समय। ये विषय हम आलोचना कर रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज जी सभी मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरण में अर्पण किया और हाथ के द्वारा करो हरे मंदिर माल जना विशु, अपने जो राज्य शासन मंत्र के माध्यम से करते थे और स्वयं भगवान के जितने सेवा कार्य है सब अपने इंद्र के द्वारा स्वयं करते थे, नौकर के द्वारा भगवान का सेवा नहीं करवाया, हाथ के द्वारा मंदिर मार्जन मंदिर में झंड लगाना पोछना ये सब स्वयं करते थे। उत्तम श्लोक कृष्ण है ना, उत्तम श्लोक जन कृष्ण के जो जन है, कृष्ण के जन कौन है, भागवत रूप वैष्णव जो सर्वस्व कृष्ण के लिए अपना अर्पित कर दिया है वो लोग है। इसमें प्रधान गुरु है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव अपना रहा हूँ, पढ़ करके देखना आज पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा। तो उत्तम श्लोक जना प्रयाति उनके प्रति रति कृष्ण के प्रति उनके जो निर्मत्सर और जो उनके प्रति महाभागवत इत्यादि है उनके प्रति और गुरु के प्रति तीनों के प्रति भगवती जैसे रूप को शामिल थे इसलिए इस श्लोक के महत्व क्या बोला इसके बारे में महाभागवत पता है। महाभागवत शब्द ही उनके लिए महाभागवत कौन, भागवत कौन है, भागवत से भी पढ़कर के महाभागवत और उनको बताया है रति, रति माने भाव, वो भाव भक्ति में लगे हुए थे, भाव भक्ति अम्बरीश महाराज ये साधारण भक्ति के नहीं थे, उन्होंने लगाया था इन सबको इनको उसने लिखा है महाभाव भक्ति और जनाशया रति जति धाम के प्रति रति थी इसलिए उनकी राजधानी कहीं और थी। यहाँ पर जल शून्य कौन सा देश था, मध्य प्रदेश जो उज्जैन इत्यादि कहा जाता है और वहां पर एकादशी का आवृत्ति करते थे जीवन भर, किंतु मथुरा धाम कृष्ण का ये धाम वृंदावन मधुबन अंतर्गत मधुबन में आकर के एक वर्ष तक कृष्ण की भक्ति के लिए ये व्रत किया करो, एकादशी को व्रत करने में उसके शाम को हुआ एकादशी दिन नृत्य जला और तीसरे दिन एक बार हरी गुरु वैष्णव की सेवा कर और तब भी कुछ ग्रहण कर उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त जो कुछ रूटी प्राप्त ब्राह्मण ऋषि है जो कुछ खा देंगे वो हो जाएगा ये सबको प्राप्त ऐसे ब्राह्मण के साप को भी के लिए बल्कि भगवान ने उनकी शब्द में रखे उनको कोई ज्ञान नहीं है इस विषय में कभी भी अपने लिए कभी भी सर्वस्व दर्शन से या भगवान से नहीं प्रार्थना की अपने बचाओ ऐसे ये रति उनको थी इसलिए राज्य का संचालन कौन करता था मंत्री परिषद के द्वारा और जगह इत्यादि कहां कराते थे अपने देश में वशिष्ठ गौतम और किन लोगों के द्वारा और उसमें जगह में दान करते थे अपने नहीं जाते थे अपने विश्व जाते थे और अपने हाथ से हाउसों से स्नान करके उसमें कवच से पानी यमुना का लाना ठाकुर जी का स्नान
जी के द्वारा राज्य संचालन और चक्र और संख्या करते थे 24 घंटा अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा हरि गुरु और वैष्णव की के चरणों में रति रखने वाले थे। इस तरह से श्रीमद् भागवत को बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक तरफ उनका धर्म संकट आया, धर्म संकट मैंने क्या, एक तरफ में ऐसे ब्रह्मवादी विभूति जो कुछ कार्य हो जाए ऐसा ब्राह्मण और भी ब्राह्मणी क्यों नहीं ब्रह्मर्षि दुर्वासा साधारण आदमी ने और उनको बुलाया निमंत्रण किया कि आपको आज प्रसाद खाना है। केवल 12 मिनट का समय रह गया था, आज गई आगे रह गया और दुर्वासा जी गए स्नान करने और वो ब्रह्म ज्ञान पुस्तक विलंब नहीं किया, वो अपने ब्रह्म चिंता में ऐसे निमग्न हुए गोटे लगा करके भूल गए। जब उनका समाधि भंग हुई स्नान करके जब तक लौटे तब तक इन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या करना चाहिए, देखो हमने उनको निमंत्रण किया वो आए नहीं, इधर यदि पारण नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति के बाधा है, भक्ति नष्ट हो जाएगी। और इधर ऐसा ब्राह्मण 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 के कृष्ण ब्राह्मण के हैं ऐसे धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए बताओ। बड़े बड़े विद्वान के ब्राह्मण कोई कुछ बोल करके उनको बदला नहीं दे सके। तब उन्होंने अपने आचार्य देखो पानी पीना भोजन करना और नहीं करना भी है, तो मैं समझता हूँ आप लोग यदि आते हैं तो मैं थोड़ा सा पानी पी लू प्रणाम हो जाएगा तो उसमें पानी पीता नहीं करो। तो उन्होंने ऐसा कर करके उसे अनुमति दी और तो लेकर उन्हें पानी ये बहुत अच्छा विचार है, इसे पारण करना भी होगा और नहीं करना भी होगा और ब्राह्मण का सम्मान भी हो जाएगा क्योंकि तो भगवान ब्राह्मण देव हैं, उनका सम्मान और भक्ति की रक्षा भी हो जाएगी, इसलिए यह करना। पहले श्लोक में जो बताया गया अपने इंद्रियों को नियुक्त किया था, क्या था इसका मतलब क्या, तीन प्रकार से आदमी प्रजाओं का शासन करके कंट्रोल करता है और उसको नियुक्त करता है ये एक अंक, उसी प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके नियुक्त किया था। ऐसे नहीं कि क्रोध इत्यादि और जितनी बातें उनके बारे में कंट्रोल करते, ऐसा नहीं, कौन कंट्रोल कर रहा क्रोध को और सबको कंट्रोल करके और अपने मन को सारी इंद्रियों को जो भगवत प्रेरित होती है हम नहीं कंट्रोल कर पाए और कंट्रोल का क्या इसे समझो कि वो महाभाग और उनको अपने अपने विषयों में नियुक्त करके जैसा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जैसे कि अपने मंत्री वर्ग को और सबको आदेश दे रखा है और नहीं पालन करेंगे तो उनको शासन करके दंड देंगे, इसी प्रकार की दीक्षा इसलिए महाभाग और उनके प्रति रति की समझो, इसलिए उन्होंने जो विचार किया। और एक बात और भगवान ने देखा इसको अपने देख की शुद्ध बुद्धि नहीं है, संपूर्ण रूप से हमको आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए भगवान ने अपने आयु चक्र सुदर्शन को आदेश दे रखा कि अपने शरीर के लिए कुछ नहीं देखा तुम सबका इसकी रक्षा करना, तुम इसकी रक्षा करना, इसलिए उनका चक्र सुदर्शन भगवान की आदेश से समय अलक्षित रूप में रह करके उनकी रक्षा कर सकते, इसलिए ये पांडुलिप्त थे। जब उनका कृत्या दुर्भाषा का मंत्र उनका विचार रूप धारण करके उनको जलाने के लिए जब आया हाथों में तलवार लेते ये चुपचाप खड़े रहे, क्यों मरना है आ रही है मरने से बहुत जब बचे ही नहीं सकते तो क्या जरूरत है, आपको प्रभु देखे आत्मसमर्पण किए इसे भक्त लोग प्रहलाद महाराज जी जैसा
ऐसे लोगों का अनुशीलन करके उनके अनुवर्त में भजन करते थे, ये भी दिया है। तो ऐसे ये खड़े रहे और ये ब्रह्मर्षि जो बात है वो सत्य होता है और वो जहाँ चतुर्सुदासन पीछा किया वो देख रहे हैं कि हमारे पीठ पर ही एकदम लगा हुआ है और सुषमा क्यों नहीं है, यदि चाहता तो प्रश्न कर देता कि नहीं तो क्यों नहीं कर रहा। अम्बरीश महाराज के वजह से यदि कर देने से ये बड़े दुखी हो जाएंगे, अमंगल हो जाएगा। इसलिए सब सुषमदर्शन उनकी इच्छा जानते हैं, प्रभु की इच्छा भी जानते हैं और भी बहुत सी बातें इसलिए महाराज अनुभव कराया। और ब्रह्मण्य देव है ना, इसलिए उनको नहीं मार, इस तरह से उन्होंने विचार किया। ब्रह्मज्ञता के लिए ठीक है, उसको सम्मान करते हैं, इसलिए पानी की करते हैं उन्होंने किया, किंतु भक्ति का निराश रखे इसलिए पारण दोष किया। इसलिए धर्म संकट से ये बचे, ये धर्म संकट को ब्राह्मणों ने हल नहीं किया, विशेष इस बार हम कल उसके श्लोकों में एक एक विचारों से लेकर के आप लोगों को अवगत करेंगे कैसे भक्ति में हम लोग देव की तरफ में लड़ते।